हेलो दोस्तों, देखिए एक वीडियोकॉन कंपनी का टीवी है जिसको आज हम रिपेयर करेंगे। तो बाहर से लाइट देने पर इसमें कोई भी लाइट इसमें नहीं चल रहा है, कोई भी हरकत नहीं हो रही है। तो जब पीछे मैंने खोला तो देखिए ये जो मॉड्यूल है लगा हुआ है और जिस पे लगा हुआ है काफ़ी हिल रहा है, तो उसकी वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई फिजिकल डैमेज दिख भी नहीं रहा है। तो बोर्ड को जब मैंने पीछे खोला तो देखिए यहाँ पे फ्यूज उड़ा हुआ था, तो इसको मैंने अभी फ्यूज बांधा है। और जो ये पीटीसी है, ये पीटीसी यहाँ पे लगा हुआ था, दो टांग का पीटीसी लगा हुआ था, वो भी गलत तरीके से लगा हुआ था। तो इसको दो टांग का भी चल जाता है तो, लेकिन इसको सही तरीके से लगाना रहता है और ये बिल्कुल पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। देखिए जो बीच वाला पिन है उसको साइड वाले पिन से लगाना रहता है। तो देखिए ये जो फ्यूज है, फ्यूज को तो मैंने पतला बांधा ही है, फिर एक बार जब लगाया एसी इनपुट देखे तो देखा कि ये फ्यूज जो पीटीसी है ये काम नहीं कर रहा था, सही से शॉर्टिंग कर रहा था। तो देखिए ये जो पिन है बीच में, इन दोनों पिनों पे लगा हुआ था, तो ये गलत तरीका है। जो डिकोजिंग कॉयल है उसके साथ लगना चाहिए ये जो पीटीसी है, और इसके अंदर ये बज रहा है थोड़ा सा हिलाने पर। तो ये जो देखिए बीच वाला पिन है और ये पिन, इन दोनों पिन पर लगेगा ये दो पिन वाला, नहीं तो आप तीन पिन वाला अगर आपके पास है तो उसको लगा सकते हैं। तो मेरे पास भी फ़िलहाल दो पिन का ही है तो उसी को लगाएंगे। तो फर्स्ट इस बोर्ड को पावर सप्लाई दे देते हैं, और देखिए जो 110 वोल्ट जहाँ आना चाहिए वहाँ पे 129 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसमें कोई वोल्टेज का इशू नहीं है क्योंकि ये मॉड्यूल लगा हुआ है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ही आता है। तो देखिए एक की और ग्राउंड पे जब मैंने टच किया तो ये टीवी ऑन होने हो गया, एक स्विचिंग का आवाज़ आ गया, और देखिए वोल्टेज भी कुछ कम हो गया है। तो 120 वोल्ट बिल्कुल ओके है क्योंकि 118 वोल्ट के आसपास आता है जब ये टीवी वीडियोकॉन टीवी में। तो अब मैं हीटर वोल्टेज चेक करूँगा कि इसके हीटर बन रहे कि नहीं। तो देखिए ये एसी रेंज पे है मल्टीमीटर और 8 वोल्ट हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका हीटर भी सही है। तो आई थिंक ये टीवी चालू हो गया होगा, तो इसको सामने से देख लेते हैं। तो देखिए ये सामने आ चुका है, देखिए ये भी लिखा आ चुका है, और देखिए जो ये हरा कलर आ रहा है और नीचे रेड कलर, ये डिकोजिंग कॉयल के कारण आ रहा है। तो ये जो पीटीसी है, ये जो दो टांग वाला, इसको लगा देंगे इसमें तो ये टीवी बिल्कुल ओके हो जाएगा। ये जो पीटीसी है इसको लगाने के बाद ओके हो जाएगा। थैंक यू।